शेफ के अकॉर्डिंग सही अच्छा काम करके दिखाया। शेफ ने अप्रिशिएट भी किया मुझको और अच्छा लगा काम करके। मौका मिलेगा तो दोबारा फिर करेंगे काम। सेम फीलिंग जो है दीवान की भी थी, शुरू शुरू में दिक्कत आ रही थी। हाँ, और बस सब दीवान साहब के लिए और किसी के लिए कुछ भी नहीं है। वो भी है, गिरीश भी है, अजय भी है, अब तेरी टीम है इंडियन की। शेफ गिरीश है, कैसे गिरीश साहब यहाँ पे आए थे तो हमने उनको फर्स्ट टाइम यहीं से यहीं मिलाऊ में, फिर हमने रूम भी इकट्ठे एक साथ लिया, उनके साथ काम किया, बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी हो गई थी। जो ही मुझे बोलते थे परफेक्टली हम किचन संभालते थे, अगर हम दोनों बंदे किचन में तो हम संभाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो गिरीश ने मुझे जितना सपोर्ट किया मैंने संभाला है और गिरीश साहब ने जितना मुझे सपोर्ट किया मैंने भी डबल सपोर्ट दिया उनको, और अच्छा लगा काम करने में। एक बहुत अच्छा फील आता था, जाना तो नहीं चाह रहे थे लेकिन सर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। मतलब इसने अगर 50% किया तो 100% दिया, जितने 50% कम भाई अपने शेफ जो आपके मार्केट के शेफ हैं, शेफ बॉबी के साथ काम किया बहुत अच्छा लगा। शेफ का थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा अलग है काम करने का, अच्छे इंसान लेकिन अच्छा लगा। शेफ अपनी टीम को साथ लेके चलते हैं और हमेशा एक एक बंदे की केयर रखते हैं, तो वो चीज़ मुझे अच्छा लगा शेफ का। थैंक यू वेरी मच। अब जो ओरिजिनल गुरु है उनके आपको लाने वाला तो होना चाहिए। बड़े भाई के समान मानता हूँ, पर यहाँ पे शेफ देवेंद्र लेके आए थे तो उनके अकॉर्डिंग मैंने काम किया, क्योंकि शेफ देवेंद्र का तरीका भी इंडियन सेक्शन में बहुत डिफरेंट है काम करने का। कैसे? अगर हमारा खाना अच्छा है शेफ, अगर हमारा खाना अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, शेफ देवेंद्र बोलते हैं। और हम अच्छे नहीं है तो ऑलवेज अच्छे हैं। मेन है कि हम इंडियन शेफ हैं, कोई भी शेफ अगर अपना खाना अच्छा रखेगा तो परफेक्टली वो खाना अच्छा तो सब हमेशा उसकी तारीफ करेंगे। तो शेफ देवेंद्र ने बहुत तरीके सिखाए यहाँ पे काम करने के तरीके, अच्छा लगा मुझे। और एक अच्छा शेफ बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक अच्छा शेफ बनने के लिए सिर्फ अपना नेचर अच्छा रखो, टीम के साथ काम करो, ठीक है, टीम वर्क बहुत जरूरी है। हाँ, बाकी थोड़ा छोटी मोटी चीजें रहती हैं। और पासपोर्ट ना हो हमारे पास तो पासपोर्ट ना हो तो अपना आधार कार्ड भी जा सकते हो। आधार कार्ड? हाँ सही बात है, आधार कार्ड भी लिंक हो रखा है। और कोई किसी के उतर गए तो कोई जरूरी बंदा हो, नहीं तो पैदल चले जाओ। किशन के साथ भी रहा तू काफी टाइम? किशन के साथ भी काम किया है, किशन भी अच्छा एक तरह से फ्रेंडली नेचर, हम भाई की तरह काम करते थे तो अच्छा हो गया था। पर ये तेजी थी, दोबारा से एक मौका मिलेगा तो काम करेंगे, यहाँ नहीं तो कहीं कनाडा में काम करेंगे। और सबको ये बोलूंगा भाई अपनी ईमानदारी से काम करेंगे तो रास्ते सबके लिए खुले होते हैं। आले से वाला बोल दो प्लीज। थैंक यू भाई, बोल दो वेरी गुड, बोल दो वो बोल दो ना, लास्ट में एक लाइन अपनी वाली बोल दे, हमारा काम अच्छा है तो हमें काम छू नहीं सकता। शेफ देवेंद्र की रिकॉर्डिंग, अगर हमारा काम अच्छा है तो हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता है। काम परफेक्टली करो हर कोई जान जाएगा। लास्ट टाइम बोल दो प्लीज, बोल दो। चलो केक काटो अपना, केक काटो, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। चलो भाई अब शेफ पालक केक काट रहे हैं, देवान पीछे हट यार, ट्रेन के बीच में आ रही है बाहर। वेरी नाइस, तो गुड लक पार्ले, केक आ रहा है पार्ले का भाई। यू आर वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे इंडियन इंडियन बॉय के माई बाप है। गुड लक के माई बाप, केक खिलाओ पार्ले से, बोल दो यार भाई है। ये हम दिलवाएंगे इसके हाथ से, कार्तिक के हाथ से। दे दो गिफ्ट, दे दो पहले उसको गिफ्ट, दे दो यार गिफ्ट, दो भाई पहले गिफ्ट, दे दो भाई गिफ्ट, दो भाई पहले गिफ्ट पकड़ा दो उसके हाथ में यार, पूरी वीडियो हो जाएगी। कार्तिक बोलो जा, बड़ा तो आप बोलो, दो गिफ्ट, ये पूरी कितनी गिफ्ट है? पहले शेफ को गिफ्ट दे दो, पैसे कितने? अरे गिफ्ट दे दो पहले, इसके अंदर क्या है? अंदर वाली चीज़ बताओ।
चलो भाई, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, पाले बहुत बहुत मुबारक। और तुझे एक महीने में बॉबी साहब का तरीका भी समझ में आ गया। दीवान दीवान साहब का समझ नहीं आया। क्या दे रहा है? नहीं, गंदा बोल रहा हूँ। थैंक यू।